सेकंड कर्म होते हैं पाप कर्म, जिनको कृष्ण कर्म भी कहते हैं, खुद उसको निर्धारित करते हैं। जीवन में तीन प्रकार के कर्म होते हैं। नमस्कार, योग आरोग्य चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम समझेंगे कि पुनर्जन्म किन आधार पर होता है, क्या उसके आधार है, किसी व्यक्ति का जन्म कहाँ होना है, कैसा उसका फ्यूचर होगा, किस घर में उसका जन्म होगा, ये सारी चीज़ें पहले से ही निर्धारित हो जाती है। हो जाती है क्या, हम लोग खुद उसको निर्धारित करते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है हमारे कर्मों के ऊपर। और लास्ट वीडियो में मुझे किसी ने पूछा था कि कर्म संस्कार क्या होते हैं, उसका आंसर भी आपको आज की वीडियो में मिलने वाला है। और ऐसे बहुत सारे कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन हैं, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपके सभी क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ये सभी हमारे शास्त्रों में बातें लिखी हुई हैं, वही सब मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है इसमें, जो मैंने अपने शास्त्रों में पढ़ा समझा वही मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ। जो भी आप तक कॉन्टेंट पहुँचेगा वह ऑथेंटिक होगा और बिल्कुल सही होगा। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, तभी आपको ये सारी चीज़ें समझ आएंगी। आज हम समझेंगे कि आज हम जो भी हैं, सुख दुख सब कुछ हमारे पुराने जन्मों में किए गए कर्मों पर निर्भर करता है। जो हमने पिछले जन्मों में कर्म किए हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमारे माइंड में विचार आते हैं। मान लीजिए किसी के माइंड में कुछ गलत विचार आ रहा है तो ये हमारे प्रारब्ध से रिलेट होता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है। और जैसे विचार आएंगे वैसी ही बुद्धि हो जाती है। इसका बिल्कुल बेस से हम इसको समझेंगे। जीवन में तीन प्रकार के कर्म होते हैं। एक होता है पुण्य कर्म, जिसको शुक्ल कर्म भी कहते हैं। इन कर्मों के करने से हमें सुख की प्राप्ति होती है। सेकंड कर्म होते हैं पाप कर्म, जिनको कृष्ण कर्म भी कहते हैं, और इन कर्मों के करने से हमें दुख की प्राप्ति होती है। जरूरी नहीं है अभी हमने गलत काम किए हैं, पाप कर्म किए हैं, कृष्ण कर्म किए हैं, इनका फल हमें इसी जन्म में मिल जाए। ये कर्म हमारे इकट्ठे होते रहते हैं और फिर इनका फल हमें अपने अगले जन्मों में भोगना पड़ता है। हिंस थर्ड जो प्रकार के जो कर्म है वो मिश्रित होते हैं। इसमें कुछ पाप कर्म होते हैं और कुछ पुण्य कर्म होते हैं। इस संसार में रहते हुए सभी लोग कर्म करते हैं। पृथ्वी पर जो भी प्राणी आए हैं वह कर्म किए बिना नहीं रह सकता, प्रकृति उससे कर्म कराती ही है। इंसान के इस संसार से चले जाने के बाद, मीन्स शरीर से प्राण निकल जाने के बाद, जो कर्म किए हैं उनकी मेमोरी बच जाती है, उनकी स्मृतियां बच जाती हैं, और ये स्मृतियां ही कर्म संस्कार कहलाती हैं। कुछ लोगों के मन में, जैसे मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं पातंजलि योग सूत्र की, उसमें आता है कर्म संस्कार, तो कुछ लोगों को समझ नहीं आता कि कर्म संस्कार क्या होता है। ये वही है कि हमारे कर्मों से जो स्मृतियां बच जाती हैं वही इकट्ठा होकर हमारे कर्म संस्कार कहलाती हैं। ये कर्म संस्कार हमेशा चित्त में डेटा के रूप में स्टोर रहते हैं। जैसे हमारे कंप्यूटर में हमने कुछ स्टोर कर दिया है तो वह हमेशा पड़ा रहेगा, वैसे ही हमारा चित्त हमारा स्टोर होता है, और चित्त में पिछले जन्मों में किए गए कर्मों का डेटा स्टोर रहता है। चित्त क्या होता है, किसको कहते हैं चित्त, यदि आप जानना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में यस लिखें या आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हम बात कर रहे थे कर्म संस्कार स्टोर होने की। फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ काम करना चाहते थे, वह आप अपने जीवन काल में नहीं कर पाए, किसी ने आपका कुछ बुरा कर दिया और आप उससे बदला लेना चाहते थे, आप अपने जीवन काल में वह भी नहीं ले पाए। स्त्री पुत्र या धन के प्रति मोह रह जाता है, ऐसी बहुत सारी इच्छाएं हैं, ये सब मृत्यु के बाद मेमोरी बन जाती हैं, क्योंकि व्यक्ति की हर इच्छा तो पूरी नहीं होती है, लेकिन उनका मन होता है उन चीज़ों को अचीव करने का। हो सकता है पुराने कर्मों की वजह से या कुछ और गलतियों की वजह से वो इन चीज़ों को प्राप्त नहीं कर पाया हुआ है, मन उन्हीं में लगा हुआ है लास्ट तक, तो ये सारी चीज़ें मेमोरी बन जाती हैं, स्मृतियाँ बन जाती हैं। और
जीव के साथ हमेशा रहती हैं। ये इच्छाएं ही आसक्ति का कारण है जिससे मनुष्य का दोबारा जन्म होता है। हमारी जो इच्छाएं हैं इस जन्म में पूरी नहीं हो पाई हैं, फिर इन्हीं इच्छाओं के आधार पर हमारा अगला जन्म होता है जिसे पुनर्जन्म भी कहते हैं। और नया जन्म लेने पर जिन जिन कर्मों के भोगने का समय आता है उस समय वैसे ही विचार मन में आने लगते हैं, इसीलिए कहते हैं ऐसा ही होना था, और उन विचारों के अनुसार ही बुद्धि काम करती है और व्यक्ति वैसा ही कर्म करने को तैयार भी हो जाता है। वह कर्म गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है, और आज जो कर्म किए जा रहे हैं इन कर्मों से फिर नई वासनाएं पैदा होती हैं जिनका रिजल्ट अगले जन्मों में भुगतना होगा। पिछले कर्मों के अकॉर्डिंग मन में विचार आए, बुद्धि ने वैसा ही रिएक्ट किया, वैसे ही उसने काम किए, एक तो ये काम हो गए। अब जो कर्म किए जा रहे हैं फिर इस पर हमारा डिपेंड करता है अगला जन्म, जो हम आज कर्म कर रहे हैं फिर उसी के अकॉर्डिंग हमें अगला जन्म मिलता है। इसलिए कहते हैं आज के कर्मों से अगले जन्म को सुधारा जा सकता है, और इसी प्रकार से कर्म और वासनाओं का दुष्ट चक्र कभी खत्म नहीं होता है। हमने जो पिछले जन्म में कर्म किए थे उसका फल हम इस जन्म में भोग रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम कर्म कर रहे हैं, और फिर हमारा अगला जन्म इससे इफ़ेक्ट हो रहा है। क्योंकि मान लीजिए किसी के मन में कोई गलत विचार आया और उन्होंने उसके अकॉर्डिंग ही रिएक्ट कर दिया और उस पर थोड़ा भी विचार नहीं किया कि ये गलत है या सही है, बिना सोचे विचारे उस कर्म को कर दिया, इसका फल उन्हें अगले जन्म में भोगना है। वह कर्म उनके चित्त में ऐड हो चुका है। हमने जो पिछले जन्म में कर्म किए थे उसके अकॉर्डिंग हमें फल मिल रहा है इस जन्म में, लेकिन हम अपने अगले जन्म को सुधार सकते हैं। वो कैसे? हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि इसको शिक्षा और वातावरण के अकॉर्डिंग ठीक किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए किसी के मन में कोई गलत विचार आया तो मनुष्य के अंदर भगवान ने बुद्धि दी है, समझ दी है, तो उस पर विचार करें, उसको समझें कि ये विचार गलत है या सही है, तो उस गलत विचार को सही में कन्वर्ट किया जा सकता है, जिससे फिर आने वाले जन्म में उनको उसका फल भी सही मिलेगा। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके मन में जो भी कन्फ्यूजन होगा वह क्लियर हो गया होगा। आप अगर कुछ और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। आप इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नॉलेजफुल कॉन्टेंट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू, नमस्कार।